मैं आ गई हूँ आज आपके लिए बेसन वाले प्याज पराठे की रेसिपी को लेकर, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और इसे आप घर में आसानी से बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हो। और इसे खाकर आप समोसा कचौड़ी तो भूल ही जाने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 प्याज ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से छीलकर धो लिया है और इसे हम कट करेंगे। आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप मैंने इतने प्याज में 5 पराठे बना लिए थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हो। तो ये हमने प्याज कट कर लिए हैं, आप चाहो तो अब छोटे प्याज कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच सरसों तेल डालूंगी। आप अगर दूसरा तेल यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है सरसों दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने सौंफ को कूट कर डाला है और 1/2 टीस्पून धनिया को कूट कर। और ये जो धनिया और सौंफ हम डाल रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। और मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून अदरक को ग्रेट करके डाला है और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना तीखा खाना चाहते हो। और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पे मैं हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे हींग डाला है। आप ऑयल जब गर्म कर लेते हो तभी डाल सकते हो। और उसके बाद जो हमने प्याज कट किए थे उसे हम डाल देंगे। डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है। इसमें हमने जो सूखे खड़े मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस पराठा में। और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और उसके बाद इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। और ये हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी डाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना तीखा खाना चाहते हो। और डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। और आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनना। और ये हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डालकर और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है ये, तो आप 1 से 2 चम्मच पानी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि मसाले जो हैं सूखे वो जले नहीं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। आमचूर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे मैं भून लूँगी और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें बेसन। तो यहाँ पे मैंने 5 प्याज यूज़ किए हैं, तो मैं 5 छोटी चम्मच बेसन डालूँगी। उससे ज़्यादा बेसन मत डालना, नहीं तो वो बेसन बेसन लगने लगेगा। और बेसन डालकर अच्छे से मिक्स करके हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि बेसन अच्छे से भून जाए और उसके बाद प्याज और बेसन का फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये बेसन डालने के बाद बहुत ड्राई हो गया है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी यहाँ पे और डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं हरा धनिया डाल के और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और प्याज पराठे का जो स्टफिंग है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैं रख देती हूँ साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए। और मैंने यहाँ पे आटा लिया है, ये नॉर्मल आप रोटी के लिए जो आटा यूज़ करते हैं वही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और वो मैंने लेकर और उसे अच्छे से बेल लेना है, और पतला रोटी के जितना पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टफिंग डालूंगी। स्टफिंग को अच्छे से इसमें डाल देना है, आप थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग डालना है इसमें। और डालकर मैंने तीनों साइड से अच्छे से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर दिया है। स्टफिंग को आप अच्छे से स्प्रेड कर देना ताकि वो सारे तरफ अच्छे से चला जाए और कहीं सिर्फ आटा आटा ना लगे। और ये मैं ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दूंगी इसे और अच्छे से थोड़ा सा दबा दूंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर सूखा आटा डालूंगी और इसे बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, इसे हमें थोड़ा सा बेलन की हेल्प से थोड़ा सा और फैला लेना है। आप चाहो तो आप इसे गोल, जैसे हम आलू पराठे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो, पर ये ऐसे बनाने से स्टफिंग जो है वो सारे तरफ अच्छे से जाता है और कहीं सिर्फ आटा आटा नहीं लगता। पर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप गोल भी बना सकते हो। और मैंने इसे थोड़ा फैला लिया है। और उसके बाद इस पर मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालना, पर तिल थोड़ा सा डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने। और इसे हम बेलन से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे
और उसके बाद मैंने यहाँ पे तवा पे घी लिया है, और आप ऑयल में भी बना सकते हो। और मैंने पराठे को तवा पे डाला है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। आप घी या तेल जो भी इस पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे घी लगाया है और इसे दोनों साइड हम पलट के अच्छे से दबा दबा कर सेक लेंगे और घी लगा लेंगे। और इसके साइड्स को थोड़ा अच्छे से सेकना है हमें। मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया है, मेरा तवा पूरा भर जा रहा है, इसलिए मुझे साइड साइड में अच्छे से दबा कर इसे सेकना है अच्छे से। और उसके बाद ये हमारे पराठे जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। तो हम जल्दी से इसके लिए एक रायता भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से दही को फेंट कर थोड़ा सा पानी मिला दिया है, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भुना जीरा, काला नमक और चाट मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा बूंदी डाल दिया, बूंदी नहीं डालना चाहो तो भी चलेगा। और मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया, डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके आप इसे पराठे के साथ अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। आप प्लेन दही के साथ भी खा सकते हो, सॉस के साथ भी, अचार के साथ भी, कैसे भी खा सकते हो। पराठे से हमें बहुत तरीके का फ्लेवर मिलता है। इसमें हमने मिर्च यूज़ किया है, थोड़ा तीखा है ये, थोड़ा मीठा है प्याज की वजह से, और थोड़ा मैंने आमचूर पाउडर डाला है इसलिए ये थोड़ा खट्टा भी है। तो एक पराठे में बहुत तरीके का फ्लेवर है और बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है ये। और मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि आप अंदर देखो कि स्टफिंग कितने अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हुआ है। इसीलिए मैंने इस ट्रायंगल शेप में इसे बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।